हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा जो ड्रम की सोना लाइट है, तो वो कई बार क्या होता है, जैसे हम ड्रम घुमाते हैं तो ड्रम रुकता नहीं है, अनलोडिंग करते हैं मशीन तो, और मिक्सिंग करते हैं तो अनलोडिंग नहीं होता है भरा मशीन में, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा क्या प्रॉब्लम होती है और वो कैसे सही होती है। तो वीडियो में पूरा वीडियो में बने रहें और लास्ट तक वीडियो को देखें आप। तो इसमें क्या है कि अपने जो ड्रम की सोना लाइट होती है, जो अपने हाइड्रोलिंग पंप के साइड में लगी हुई रहती है साइलेंसर की तरफ, या आप वीडियो में भी देख सकते हो, जिसमें ऊपर और नीचे काले कलर के दो ब्लैक कलर के ढक्कन से होते हैं जो बीच में से दबता है, और नीचे से अपन डायरेक्ट सोना लाइट से, जैसे अंडे को ड्रम जैसे स्विच काम नहीं करता तो अपन सोना लाइट से कर देते हैं, वो उसको खोल लेना है आपको। तो उसमें होता क्या है कि वो कई बार क्या जाम होने लग जाती है, वो सोना लाइट जब पुरानी हो जाती है मशीनें तो उसमें क्या है, हल्का सा कार्बन जैसा आ जाता है तो फंसने लग जाती है, प्रॉपर काम नहीं करती है। ये सोना लाइट देख सकते हैं आप वीडियो में खोल लिए। अब खोलने के बाद में इसमें चार जैसे साइड में एलंकी बोल्ट रहते हैं, एलंकी बोल्ट निकाल के बाहर आ जाएगा और हल्का वहाँ से ऑयल निकलेगा तो उसमें कपड़ा लगा दो पंप में, और बाहर निकालने के बाद में फिर इसको दोनों साइड से खोल लें। जैसे साइड में ढक्कन आपको दिख रहा होगा प्लास्टिक का जैसा, इसको आप घुमा के खोल सकते हैं, ये खुल जाता है। अब इसमें क्या है कि प्लास्टिक का ढक्कन जो है फ्री हो गया है, तो अभी इसमें खोलने में काफ़ी हमको दिक्कत आ रही थी, और पेचकस से जैसे तैसे हमने उसको ढक्कन को पहले बाहर किया। ये आप देख सकते हो ये खोल रहे हैं इसको, वो फ्री हो रहा है। पेच का ऐसे भी इस ढक्कन से कोई नहीं, इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, खाली कवर होता है उसके ऊपर जो, ताकि अंदर उसमें धूल मिट्टी नहीं जाए। ये जो ढक्कन जैसा आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, जिसको पेचकस से निकाल रहे हैं, तो ये देखो हम वो ढक्कन उधर से निकाल कर वो दोनों साइड से वो बोल्ट अपना आपने निकाला तो तीन भाग में हो जाती है सोना लाइट। अभी इसमें जो ये सापट दिख रही है, सापट को निकालेंगे। इस सोना लाइट की सापट है, ये सापट को आपको क्या करना, सापट को निकाल लेना बाहर। ये बीच में से खुल जाता है इधर से, दोनों साइड से पाना लगा के। ये जो आपको छोटी सापट दिख रही है, इस साफ्ट को खोल लेना है, और इसमें जो बीच में आपको छेद दिख रहे हैं, इसमें क्या छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। जिस चार वो एलंकी बोल्ट अपन ने वहाँ से खोल लेते थे, ये बाहर निकल के आ गए चार एलंकी बोल्ट। ये चार खांचे दिख रहे हैं, वो पंप में जो लगा हुआ होता है ये चार एलंकी वो है, और इसके अंदर जो चार छेद बीच में दिख रहे हैं, इसमें से दो में छोटे छोटे वाशर से रहते हैं, उनको आप संभाल के देख के रखें। और यहाँ पाना लगा के पहले इसको साफ्ट को इधर से खोल लें। आप रिंच पाने से भी खोल सकते हो अगर इसमें क्या है कि हल्का सा जगह रहती है बोल्ट में, जैसे आप बाकी बोल्ट देखते हो उसमें काफ़ी सारे चौड़ा रहता है, ये हल्का सा किनोर से रहती है, इसमें बहुत संभाल के और ध्यान से पाना लगाना पड़ता है इसमें, अगर एक बार भी स्लिप हुआ तो ख़राब हो जाता है। अब आप देख सकते हो खोलने का भी तरीका, इसमें दोनों साइड से इसको खोल लेना है अपने को। एक साइड से इधर से पकड़ के, एक साइड दोनों साइड से पकड़ के, और आराम से खोलना है इसको। ये अगर आप भूल जाते हो तो भाई कैसे वापस इसको फिट करना था, आप फोटो भी निकाल सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप खोलते जाएं और एक एक फ़ोटो निकाल के रखें आपके पास, अगर बाय चांस अगर आप भूलते भी हैं तो आप फ़ोटो में देख के इसको वापस फिट कर दें। ये देखो और ये देखो खोल दिया यहाँ से हमने दोनों साइड से, और इसमें स्प्रिंग जैसे छोटे छोटे वो सापट से हल्के हल्के से वो लॉक से निकले, उनको ध्यान से देख के और आप संभाल के खोल के
और डीजल से साफ़ कर लेना है इसको अच्छे से बढ़िया से। ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे इसमें चीज़ निकलती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। चाहे तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, खोलते टाइम आप वीडियो भी बना सकते हैं, बाद में फिट करने के टाइम काम आएगी। ये देखो डीजल से आप इसको बढ़िया से साफ़ कर लें। और ये जो ये सापट पड़ी है, ये पाने के साइड में आपको दिख रही है छोटी सापट, इसको इसके अंदर बार बार ऊपर नीचे अंदर बार इसको साफ़ करें बिल्कुल। ये वो एक साइड की खोले, दूसरी साइड की खोल रहे हैं, पेचकस फंसा कर फिर उसको खोलें ऐसे लगा के ताकत। ये देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से इसमें क्या ज़्यादा जगह नहीं होती है इसमें। दोनों साइड से बिल्कुल खोल कर बढ़िया से एकदम डीजल से साफ कर लें पूरा इसको। और सापट को इस सोना लाइट में बार बार आगे पीछे अंदर बार करें, डीजल डाल के बार बार जो कार्बन रहता है वो डीजल से साफ हो जाता है। कार्बन एकदम डीजल से साफ कर देना बिल्कुल, 15-20 बार इसको अंदर बार करना है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स का इनका बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ये देखो ये वो स्प्रिंग निकली है, जैसे जैसे निकलना वैसे ही आप वीडियो बना सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आपको याद भूल जाते हैं आप कैसे कैसे फिट करना है, तो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद फिट करने के समय आपको काम आती हो, ताकि आप कोई भी एक भी चीज़ नहीं भूलें। और इसमें एल साइड और डब्लू साइड दो साइड रहते हैं इसमें, तो दोनों पार्ट्स अलग अलग, ये डब्लू साइड का वो डब्लू साइड और एल साइड का वो एल साइड में रखते हैं।